नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे खबरें फटाफट में। फटाफट न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट नगरोटा बगवां। दो दिन के लिए स्थगित हुई श्रीखंड महादेव यात्रा, मौसम की स्थिति देखने के बाद ही होगा बहाली पर आगामी फैसला। नदी नालों का जल स्तर बढ़ा, लोगों से पोंटा प्रशासन ने की एहतियात बरतने की अपील। चंबा में बारिश ने मचाया कोहराम, रावी नदी सहित तमाम सहायक नदियां व नाले उफान पर। कोटी से शिमला तक ट्रैक पर भरा मलबा और पानी, सभी ट्रेनें रद्द, रेल कार भी 15 तक बंद। सुंदरनगर में कीरतपुर नेर चौक फोर लेन पर भुवाना टनल 5 के बाहर पर्यटक बस पर गिरा पत्थर, चालक व परिचालक घायल। किन्नौर जिला में बारिश से तबाही, सैकड़ों सेब के पेड़ नष्ट, संपर्क सड़क मार्ग का नामो निशान मिटा। गिरिपार क्षेत्र में बारिश ने खूब मचाई तबाही, कई घरों को खतरा, मुख्य व संपर्क मार्ग अवरुद्ध। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका, ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। नया प्यार है, नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉगिन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। भूस्खलन से पठानकोट बैजनाथ रेल मार्ग पर रेलों की आवाजाही रद्द, ज्वालामुखी से बैजनाथ तथा गुलेर से नूरपुर तक रहेगी आवाजाही। सोलन में आफत बनकर बरस रहे बादल, कई मार्ग ठप, कालका शिमला रेल मार्ग पर मलबे से रेल यातायात प्रभावित। रामपुर में मकान पर गिरा भूस्खलन का मलबा, 3 लोगों की गई जान, 2 घायल। अटल टनल रोहतांग की तरफ वाहनों की आवाजाही बंद, पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में चील गाड़ी के समीप गाड़ी पर चीड़ का पेड़ गिरा, बड़ा हादसा टला। सोलन के चंबा घाट के समीप 4 मंजिला मकान खतरे में, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऊना में इंद्रदेव का प्रकोप जारी, खड्ड नाले उफान पर, घरों दुकानों व खेतों के बरसाती पानी खूब मचा रहा तबाही। मंडी जिला में बारिश का कहर, ब्यास नदी ने रौद्र रूप किया धारण, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 मील और अन्य स्थानों पर भूस्खलन से बंद। चंबा पठानकोट एनएच पर बैकुंठ नगर में सड़क में आई दरारें, वाहनों की आवाजाही ठप। खबरें फटाफट में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस संस्थान ने अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और डिफेंस ऑफिसर समाज को दिए हैं। जेनेसिस कोचिंग संस्थान अपने अनुभवी अध्यापकों व कुशल प्रबंधन के कारण हर रोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहां पर कांगड़ा जिला के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदि के बच्चे भी यहां आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों व सुविधाओं के साथ बच्चों को 9वीं से ही उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कम्पिटिटिव परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, एनडीए, एनटीएससी, एसटीएससी व ओलंपियाड आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। अति प्रतिभाशाली व जरूरतमंद बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये कार्यक्रम संस्थान के दोनों केंद्रों नगरोटा बगवां व पालमपुर में चलाया जा रहा है।